आरडी शर्मा सॉल्यूशन है ये क्लास 12 चैप्टर 12 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हम देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQ। यहाँ पर है x बराबर a cos nt माइनस b sin nt। अब ध्यान रखिए जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो जो आगे बढ़ना चाहे वो फटाफट आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट करूंगा, चीजें बताऊंगा आपको। तो d2xy dt2 बोला है, हम अमूमन dy/dx करते हैं, लेकिन आप कभी x दिया जाएगा, कभी t दिया जाएगा, कभी कभी कुछ और वेरिएबल भी दे दिए जाएंगे। तो dx/dt निकालते हैं पहले, ये क्या आएगा जी, a cos nt का होगा माइनस sin nt और nt का फिर n बनेगा। यहाँ पर आ जाइए b sin nt का cos nt और nt का फिर n, ये dx/dt हो गया। अब आपको d2x/dt स्क्वायर निकालना है, तो ये माइनस a n हो गया sin nt का cos nt, अगेन n आएगा तो यहाँ n स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पर आइए bn है ये cos nt का माइनस sin nt, तो ऐसे कर देते हैं और एक n और आएगा तो n स्क्वायर हो गया। अब आप देखें कि मैं इसमें से क्या कॉमन लेने वाला हूँ, एक माइनस कॉमन लेने वाला हूँ और एक कॉस एन टी लाना है मुझे, तो ए कॉस एन टी है तो माइनस एन स्क्वायर कॉमन लेना हो। माइनस एन स्क्वायर कॉमन लेते ही अंदर बनेगा ए कॉस एन टी, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस एन स्क्वायर ले चुके हैं, तो बी साइन टी आएगा, साइन एन टी आएगा। ठीक है साहब, अब ये क्या चीज है, ये तो एक्स ही है ना, तो ये बनेगा माइनस एन स्क्वायर एक्स, तो d2x/dt² आपका माइनस एन स्क्वायर एक्स बना। इस तरीके से किया जाएगा, इसको करने का तरीका ये सब आपको ये जो लाइनें हैं ये बाकायदा लिखनी है, तभी आपका काम बनेगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें एक्स बराबर ए टी स्क्वायर वाई बराबर 2at d2y/dx2। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले ही एक्सरसाइज में इसको देखा है, लेकिन हम इसको फटाफट कर लेते हैं। एक्स बराबर है आपका ए टी स्क्वायर, तो dx/dt क्या बनेगा आपका 2at। इस तरीके से y आपका 2at है, तो dy/dt बनेगा आपका 2a। अब आपको चाहिए dy/dx, क्योंकि d2y/dx2 उसी के बाद निकलेगा, तो dy/dx कैसे निकलेगा जी, ये लीजिए, इसको लीजिए और इसको इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2a/2at। कुछ इसी तरीके से बनेगा, जो अपने आप करना चाहते हैं उनके लिए मैं फटाफट ये बता देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं 1/t आ रहा है। अब आपको d2y/dx2 निकालना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर y भी नहीं है, x भी नहीं है, यहाँ केवल t है, तो ये तो खैर 1/t का तो सीधा -1/t² आएगा, लेकिन अब इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब आपको dt/dx इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि t का भी होना है ना, तो dt/dx हो गया ये। अब dt/dx हमारे पास dx/dt ऑलरेडी 2at है, dt/dx कहाँ से आएगा, -1/t², इसका उल्टा करके यहाँ रख दीजिए, तो ये 1/2at आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा -1 ऊपर, ये t और ये t² बनेगा आपका t³, तो 2at³। तो ये आप इसमें से जो रिलेवेंट है वो आंसर चूज कर लेंगे। MCQ हम कर रहे हैं, चार ऑप्शन है, उनमें से हमको एक चूज करना है। y बराबर a x की पावर n प्लस 1 प्लस b x की पावर माइनस n। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम पिछले 12.2 में कर चुके हैं, तो जो जानते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, बाकी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर ए एक्स एन प्लस 1 प्लस बी एक्स टू द पावर माइनस एन, सीधा dy/dx निकालिए, a कांस्टेंट है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, nx टू द पावर n माइनस 1, ये आपका डिफरेंशिएशन का मेन रूल है। ये n प्लस 1 आगे आएगा, x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 आपका n हो जाए, है ना, ये एक कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर माइनस n आगे आएगा, तो मैं पहले ही माइनस कर देता हूँ इसको, b ये माइनस n यानी कि n x टू द पावर माइनस एन माइनस वन, यानी कि माइनस एन माइनस वन हो गया है, यहाँ तक ठीक है, बी एन एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस वन। अब आप आइए d2y/dx2, आपको दूसरा डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये a n प्लस 1 तो ऐसे रहेगा। अब ये इसका मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन कर दीजिए, और माइनस बी एन, अब ये आगे आएगा माइनस एन माइनस वन, और एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस वन माइनस वन, यानी कि माइनस एन माइनस टू, ऐसे बनेगा। तो क्या बना आपका, ये हुआ ए एन एन प्लस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और यहाँ बना आपका ये माइनस, मैं यहाँ से माइनस बाहर ले रहा हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले लिया, बी एन एन प्लस वन और एक्स टू द पावर माइनस एन माइनस टू। अब इन्होंने कहा x² इंटू d2y/dx2 बताइए, तो x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ x² से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ x² से मल्टीप्लाई करिए, तो x के पावर जुड़ जाएंगे, यहाँ 2 पावर है या n माइनस 1 पावर है, जोड़ के देख लीजिए, 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि n प्लस 1, तो ये आ गया आपका x, ये हमने जब कर लिया इसको तो हमारा x की पावर n प्लस 1 बना, तो x की पावर n प्लस 1 यहाँ रख देते हैं, n प्लस 1 a है अपने पास, तो यहाँ रख देते हैं, और बाकी क्या बचता है, देखिए हमने ये x और x यूज कर लिया, a को मैंने यहाँ लिख दिया, तो आपको बनता है n n प्लस 1, यहाँ पर आ जाइए, बस x और से मल्टीप्लाई किया है, ये 2 और माइनस n प्लस 2 जोड़ दीजिए, 2 माइनस n माइनस 2, ये इसका कैंसिल हो गया, तो x की पावर माइनस n आ गया, तो x की पावर माइनस n ऐसे रख दीजिए,
बी यहाँ है तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ एन एन प्लस वन। अब ये एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन कॉमन लीजिए, इससे क्या फायदा होगा, एन एन प्लस वन कॉमन लेते ही आप देखेंगे कि ए एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी एक्स टू द पावर माइनस एन ये अंदर आ, ये जो अंदर है ये आपका ऑलरेडी वाई है, तो इसको आप लिख सकते हैं एन एन प्लस वन इंटू वाई, राइट। ये आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स टू, ये निकालना था आपको, ये आ गया इसका रिलेवेंट आंसर, आप लिख देंगे एन एन प्लस वन वाई। तो इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो सकती है, आप जानते हैं कई मिसप्रिंट होते हैं, तो आप सीधा यहाँ पर ये लिख दीजिए। अब आपका ये बना, अब इसको डायरेक्ट अगर आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो ये साहब d की पावर 20 है, यहाँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मतलब आपको 20 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, कर पाएंगे? तो यहाँ पर कोई ना कोई जुगत लगानी होगी, कुछ ऐसी चीज करनी होगी जिससे आप थोड़ा आसानी से आपको सोल्यूशन मिले। तो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, इसलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग इसको करने में थोड़ी सी उनको मुश्किलात आए। यहाँ पर एक हम रिलेशनशिप देखेंगे, देखिए cos a प्लस a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ये क्या होता है 2 cos, अब देखिए 3 ये a और b की बात मैं कर रहा हूँ, तो 2 cos b cos ऐसा, ये रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी पता है, आप कई बार देख चुके हैं, यही हम इसमें इस्तेमाल करना चाहेंगे, यानी कि हमारे पास y है 2 cos x cos 3x, और इस फॉर्मूला से क्या बनेगा, ये cos 3x, ये है 3x माइनस एक्स, और यहाँ पर बनेगा cos 3x प्लस एक्स, यानी जो मल्टीप्लीकेशन वाला है, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, उसको हम एडिशन में परिवर्तित कर दे रहे हैं, और हम क्या करेंगे, दो तीन लेवल तक लेके जाएंगे इसको, मतलब एक दो डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक पैटर्न बन रहा है, तब हम एक पैटर्न के हिसाब से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स सीधा निकालिए आप, ये क्या हो गया, ये cos 2x हो गया, ये आपका cos 4x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, cos 2x का होगा माइनस साइन 2x, और 2x का 2 होगा तो माइनस 2 साइन 2x हो गया, यहाँ पर cos 4x है तो माइनस साइन 4x, और आपका 4 भी आ गया आगे, तो माइनस ऐसे कर देता हूँ माइनस 4 साइन 4x, ठीक साहब। इससे आप जरा माइनस 2 बाहर ले लीजिए, इससे फायदा क्या होगा, आपका अंदर साइन 2x प्लस 2 साइन 4x आ गया, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू करके देखिए क्या आता है, करते चलते हैं आगे देखते हैं क्या बनता है। ये माइनस 2 है, इसको बाद में डील करेंगे, पहले ये देखिए साइन 2x का हो गया cos 2x, फिर 2 भी आ जाएगा, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, साइन 4x का cos 4x, और फिर 4 भी आ जाएगा, माइनस 2 ऑलरेडी है ना। अब एक काम करें, इससे फिर से 2 बाहर ले लीजिए, तो क्या आया आपका माइनस 2, हमने 2 और बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बना cos 2x प्लस यहाँ आ गया 2 बाहर ले लिया तो 4 cos 4x। अब इससे कंपेयर करिए आप, आपके पास ये था 2, यहाँ पर क्या 4, तो इसको 2 स्क्वायर लिख दूं मैं, ये माइनस 2 था, यहाँ माइनस 2 इंटू 2 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये बना 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये बना 2 स्क्वायर। एक डिफरेंशिएशन और करिए, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स 3, क्योंकि 20 बार करना है साहब, ध्यान रखिए। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस 2 स्क्वायर को तो छोड़ दीजिए अभी, इसको करते हैं cos, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x, फिर 2 और आ जाएगा इसके आगे, यहाँ पर आपका 2 स्क्वायर ऑलरेडी है, cos का माइनस अगेन माइनस साइन 4x, और फिर 4 आ जाएगा, ये माइनस 2 स्क्वायर ऑलरेडी था। अब देखिए माइनस 2, इससे मैं माइनस ये 2 और 2 ले रहा हूँ बाहर, ठीक है, तो माइनस 2 बाहर ले लिया तो 2 क्यूब हो गया ये, और अंदर क्या हुआ, अच्छा माइनस बाहर ले लिया तो आपका ये प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया ना 2 क्यूब, ये आपका बना 2 साइन 2x, इस 2 स्क्वायर, और यहां से क्योंकि 4 था 2 ले लिया तो 2 बचा, तो अल्टीमेटली आपका आया प्लस, क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हैं 2 क्यूब साइन 4x। अब देखिए क्या पैटर्न बना, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ऐसे करते करते जब ये 3 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 2 है, तो पावर क्या बन रही है 2 की पावर 20, यहां तक ठीक है। और आपका एक डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा ये जानने के लिए, क्योंकि हमने पहला डिफरेंशिएशन किया, जब हम इवन नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारे पास ये प्लस वाला टर्म आएगा या नेगेटिव वाला टर्म आएगा। देखिए ये पहला वाला टर्म, ये जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया इसमें नेगेटिव आया, सेकंड वाला डिफरेंशिएशन इसमें ये पॉजिटिव आया, है ना। तो जब भी इवन नंबर, और फिर अगेन तीसरे नंबर पे हमारा फिर से यहां पर ये आ गया, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम चौथी बार, ये हम देख रहे हैं चौथी बार जब हम करेंगे तो आना तो यही है 2 की पावर 4 यहाँ आ जाएगा cos 2x और 2 की पावर 4 cos 4x। तो ये हम ये देख रहे हैं कि जब चौथी बार करते हैं, जब तीसरी बार किया चौथी बार करेंगे तो ये टर्म आ रहा है ना। थोड़ी जगह की कमी के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम ये करेंगे तो हमें यहाँ क्लियर पता चल रहा है, पहली बार किया तो ये आया, दूसरी बार किया तो ये आया, तीसरी बार किया तो ये आया, चौथी बार किया तो ये आया, इसका मतलब एक पैटर्न बना 2 की पावर 20। और हम क्योंकि 20वां जो नंबर है वो इवन है, तो जो भी सेकंड और फोर्थ टाइम आएगा, मतलब सेकंड टाइम क्या आया ये आया, फोर्थ टाइम क्या आया ये आया, तो यही चीज़ आएगी जब 20वें बार करेंगे, क्योंकि 20 इवन टाइम है, इवन है। तो यहाँ पर आप दीजिए cos 2x प्लस, और ये 2 की पावर 20 बनेगा 20वें टाइम में, और cos 4x, ये जो चीज़ है कहाँ पर है जी, ये इसका उत्तर देख लीजिए, 2 की पावर 20 cos 2x
प्लस टू की पावर 20 कॉस 4x, ऐसे करके आप ये वाला उत्तर लिख सकते हैं। 20 बार नहीं डिफरेंशिएशन करना, यहीं से पैटर्न मिल जाएगा आपको। अब x बराबर है आपका t स्क्वायर, y बराबर है आपका t क्यूब, dx बाय dt बनेगा आपका 2t, dy बाय dt बनेगा आपका 3t स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, dy बाय dx निकालना है आपको, तो इसको उठाइए इसके नीचे रख दी, तो dy बाय dx बनेगा dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, तो dy dx बन गया आपका, एक इससे हटा दीजिए, 3t बाय 2, है ना। लेकिन जब dy बाय dx आपने किया, तो जब d2y बाय dx2 करेंगे तो आपका आना क्या चाहिए, 3 बाय 2। आप बोलेंगे 3 बाय 2 आंसर आना चाहिए, इस पर टिक करने लगेंगे, लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि यहां पर t है जनाब, आप डिफरेंशिएशन x के बेसिस पे कर रहे हो, तो आपको dt बाय dx यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, dx बाय dt ऑलरेडी है आपका, इसका उल्टा करके यहां रख दीजिए, तो 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 टी, दैट इज 3 बाय 4 टी, तो उत्तर क्या बनता है आपका, ये वाला, ये है आपका उत्तर। y बराबर है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, a और b आपकी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये ऑलरेडी क्योंकि 12.1 में हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, इसलिए मैं जो जानते हैं जो इससे वाबस्ता है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। y बराबर है आपका a प्लस बी एक्स स्क्वायर, अब dy बाई dx जिसे हम y प्राइम या y1 भी कहते हैं, ये एक ही बात है, y1 y प्राइम और dy बाई dx एक ही बात है, a का जीरो हो गया और b आया यहाँ पर 2x बना, तो आपका क्या बना 2bx, तो बेसिकली आपका जो y1 आया वो तो 2bx आया, तो y2 क्या होगा, यानी कि d2y बाय dx2, यानी कि आप y डबल प्राइम कह लीजिए इसको, तो बना 2b, यहां तक ठीक है, तो y डबल प्राइम यानी कि y2 आपका 2b बना, है ना। अब क्या करेंगे, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा y1 क्या है, 2bx है, मतलब अगर मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2bx ये y1 बन जाएगा, तो x इंटू y2 बराबर ये हो जाएगा y1, क्योंकि 2bx क्या है, ये आपका y1 है, यहां लिख सकते हैं x इंटू y2, y2 क्या है, d2y by dx2 बराबर y1। अब इसमें ढूंढ लीजिए कौन सा है यहाँ पर, इसमें x d2y by dx2 equals y1, ये वाला क्लियर। ये जो सवाल है इसमें क्योंकि i यूज हुआ है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसका सोल्यूशन बड़ा है, इसलिए मुझे छोटा करना पड़ा है, cos x plus i sin x है, मतलब इसमें आयोटा है, कहने का मतलब ये जो सवाल है इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें इन्वॉल्व है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला के बगैर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आप रिकॉल ना कर पाए एग्जाम के समय, तो इसके लिए हम मैं आपको डी मॉयव थ्योरम बता रहा हूं। डी मॉयव थ्योरम जो है उसमें कहते हैं कि जेड अगर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है और जेड की पावर एन कर दें तो आर की पावर एन हो जाएगी और ये कॉस के ये थीटा के आगे एन लग जाएगा, ज्यादा क्लियर है। आर इसमें मॉड्यूलस है, थीटा आपका आर्ग्यूमेंट है, थीटा मतलब एंगल है, आर इसका मॉड्यूलस है। अब इसको अगर आप जान गए तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो अब जो खुद कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दी है। यहाँ ध्यान रखिए एफ वन बराबर वन है और एफ डैश डबल डैश वन निकालना है, ये निकालना है, तो एक हिंट के लिए मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, मैं इसको करूंगा प्रॉपर, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एफ एक्स जो दिया हुआ है वो है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट लिखूंगा, थोड़ा सा जगह की कमी रहती है अपने पास। यहाँ पर आ गया cos 2x प्लस i sin 2x, ऐसे से करते करते ये बनेगा cos nx प्लस i sin nx, ओके। अब क्योंकि हम जानते हैं डी मॉयर थ्योरम का मतलब ये होता है, अगर n इसका यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है कि ये पावर में है, इसका पावर है ये, n इसका पावर है ना, क्योंकि z की पावर n, r की पावर n, इसकी पावर n लगाई, तो ये n इसके सामने आ गया, है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये 2 और ये 2 जो दिख रहा है इसका मतलब ये पावर 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos x प्लस i sin x, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस i sin x पावर 2, ऐसे करते 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 ये होगा cos x प्लस i sin x, अब ये n है तो पावर n, ये डी मॉयव थ्योरम से हमने किया है। अब क्योंकि ये बेस दोनों बेस सारे के सारे सेम है तो इनकी पावर जुड़ जाएगी, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे n है, तो आपका ये बना cos x प्लस i sin x की पावर 1, ये होगा 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते n तक। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 ये n, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है और इसका समेशन हम जानते हैं n n प्लस 1 बाय 2 होता है, यहाँ तक ठीक है, तो ये बना आपका इसको हम थोड़ा सा a मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो हमारा बना cos x प्लस आई साइन एक्स की पावर एन एन प्लस वन बाय टू, जिसे मैं ए कह रहा हूँ। अब क्योंकि डी मॉयव थ्योरम लगा ही रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कॉस ए आगे यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, ये हुआ ए आपका इधर सामने आया आ गया, जैसे ये डी मॉयव थ्योरम से बताया। अब ये है आपका एफ
एक्स। एफ वन जरा निकालिए क्या आता है, कॉस ए प्लस आई साइन ए। क्यों? क्योंकि एक्स की जगह वन कर दिया हमने, एफ वन आ गया। अब क्योंकि एफ वन हमारे पास मिल चुका है, आगे अगर एफ वन आएगा तो उसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, हमारे पास एफ एक्स ऑलरेडी है, ये यहां से हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालने पर क्या मिलेगा, देखिए कॉस ए एक्स का हो गया माइनस साइन ए एक्स, ये जो है ना आपका, इसका मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, कॉस ए एक्स का माइनस साइन ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स और इंटू ए, और इसका भी ए निकलेगा बाहर। तो आप एक काम करिए, इससे चाहे तो आप ए बाहर ले लीजिए, एफ डैश एक्स में आपको ए बाहर लेना पड़ेगा, इस जगह पे ये ए बाहर आए। तो आपका ये हो गया ए और माइनस साइन ए एक्स, ये ए बाहर ले लिया तो माइनस साइन ए एक्स, ये ए बाहर लिया तो प्लस आई कॉस एक्स। अब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ जी, तो कॉन्स्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा साइन का कॉस ए एक्स, ए आएगा फिर, और ये माइनस कॉस का, क्योंकि माइनस साइन ए एक्स आएगा तो साइन ए एक्स, यहाँ आई ऑलरेडी है और ए भी आएगा, फिर इससे ए बाहर ले लीजिए आप दोबारा, तो ये ए स्क्वायर हो गया। तो आपका बना ए स्क्वायर, आप माइनस ले लीजिए बाहर क्योंकि इसको प्लस कर देते हैं, तो आपका आएगा कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी छोटी जगह में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका आया माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर क्या है, ए आपके पास क्या, ये है ना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एन एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ये तो है, ए स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया। अब यहां पर जो आपका कॉस ए एक्स है प्लस आई साइन एक्स, ये चीज जो है इसको मैं यहां लिख दिया, कॉस एक्स प्लस ए आई साइन ए एक्स, ये हो गया, ठीक है साहब। अब ये जो है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी cos ax प्लस साइन ए एक्स, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स है, और ये हमने f डबल डैश निकाला है, तो अब हम यहीं पर इसको f, यहां पर f डबल डैश वन करेंगे, सबकी जगह वन रख दीजिए। तो आपका यहां पर अब आपको a की जगह वन रखना है, तो इसको तोड़ा दीजिए, ये आप, ये तो एफ एक्स है ना, एफ ए, ये यहां पर क्या आपका, मैंने बताया आपको ये, क्योंकि माइनस ये ए स्क्वायर बढ़ा दीजिए, इसको तो हमने प्लेस कर दिया, तो ये आपका माइनस एन एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर तो है ही। खैर, अब ये कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमने इसमें लगाया था वन, तो क्या आया था ये क्या आया था, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो कॉन्टेंट है ये ऑलरेडी वन हो चुका है, ध्यान रखिए आप, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये वन हो गया था, तो ये वन आ जाए इंटू वन। फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस एन एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो इसमें से जो रेलिवेंट आंसर है उसको आप लेके, जो सी है इसका, इसको सॉल्व कर सकते। अगला क्वेश्चन है आठवां, इसको हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सब।